हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था तो अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं हमने एक इस तरह का केस लिया था जिसमें दो तो अपोज़िटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को मूव किया था एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक और इस केस के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को देखा था और हमने डिफ़ाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल दैट वाज बेसिकली नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या हम यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जो बात यहाँ याद रखने वाली और नोट करने वाली थी वो ये थी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म था आप फिगर से भी देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं तमाम की तमाम पैरेलल भी हैं और इक्वली स्पेस्ड भी हैं लिहाजा ऐसा फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड कहलाता है और ये जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहे हैं ये इन्हीं यूनिफॉर्म फील्ड्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अ पॉइंट फाइंड करना है लेकिन जिस फील्ड के लिए फ़ाइंड करना है वो पॉइंट चार्ज का फील्ड है और पॉइंट चार्ज का फील्ड बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है क्योंकि इसकी डिपेंडेंस वन ओवर आर स्क्वायर पर होती है और जैसे जैसे आप मूव करते जाते हैं इस चार्ज से अवे इस फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाती है मोर ओवर आप देख सकते हैं कि लाइन्स यहाँ पर पैरल नहीं हैं और इक्वली स्पेस्ड भी नहीं है तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का केस है अब जो हमने एक्सप्रेशन पहले पढ़ लिए हैं उनको हम यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन हमें इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे एक अप्रॉक्सीमेशन लगानी पड़ेगी इस तरह से कि हम इसको करीब करीब यूनिफॉर्म फील्ड कंसीडर कर सकें ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म फील्ड तो इस केस के लिए हम अपने स्पेसिफिक केस के लिए जो अप्रॉक्सीमेशन लगाने लगे हैं वो क्या है कि हम दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं ए और बी इस तरह से कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं और क्लोज़ uh, होने की वजह से इनके दरमियान जितना रीजन आ रहा है उसके अंदर फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कंसीडर किया जाएगा बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसके अंदर मौजूद नहीं होगी तो हम यहाँ पे अपनी फिगर में पहले लेबलिंग को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम डरीवेशन की तरफ चलते हैं आज की वीडियो में डेरीवेशन लिहाजा आप साथ, साथ स्टेप बाई स्टेप उसको सॉल्व करते जाइएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू चार्ज से पॉइंट ए का जो फासला है उसको हम लेबल करेंगे आर ए फिर क्यू चार से पॉइंट बी का जो फासला है जो डिस्टेंस है उसको हम लेबल करेंगे आर बी मोर ओवर जो डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान है उसको हम डेल्टा आर लिखेंगे ए और बी के दरमियान के डिस्टेंस को हम डेल्टा आर लिखेंगे अब फिगर से हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं जैसे कि आर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं आर बी आपको मालूम है कि आर ए प्लस डेल्टा आर को ऐड करके लिखा जा सकता है फिगर से साफ आप इसको देख सकते हैं इसी तरह हम डेल्टा आर देख सकते हैं कि इसकी आ, आर ए और बी की टर्म्स में क्या वैल्यू होगी तो अगर आप आर बी में से ये पार्ट यानी आर ए को माइनस कर दें तो जो पार्ट रह जाएगा वो इक्वल होगा डेल्टा आर के लिहाजा वो यहाँ एक्सप्रेशन में लिख दिया गया है अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट आर जो कि बेसिकली ए और बी के दरमियान एक पॉइंट है जिसको हम मिड पॉइंट कहेंगे और मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए हम यहाँ पर आ, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं यानी आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय टू तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी जो कि मिड पॉइंट है अब बेसिकली हम ये सब कर क्यों रहे हैं क्योंकि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं इस आर स्क्वायर से और हम उसकी एक स्पेसिफ़िक वैल्यू लेना चाह रहे हैं जो ए और बी के दरमियान मौजूद चलें जिसको इसको मजीद सॉल्व करते हैं अब यहाँ देखें आर बी की वैल्यू आप इधर से सब्सिट्यूट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टू टाइम्स आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर टू और टू को दोनों ऊपर न्यूमिनेटर के जो भी नंबर्स लिखे हैं उनसे डिवाइड कर दें तो आपके पास आर इक्वल आ जाएगा आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर टू के नेक्स्ट काम अब हमने क्या करना है अब हम इसको स्केयर uh, कर लेते हैं ठीक है ये सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए आर स्केयर की वैल्यू निकालेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको सब्सिट्यूट कर सकें तो जब हम स्केयर करेंगे जो फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है वो ए प्लस बी होल स्केयर का होगा जिसमें आप फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म लिखेंगे और चूंकि यहाँ पे सेकंड टर्म में ऑलरेडी डिवाइडेड बाय टू आ रहा था लिहाजा फार्मूला का टू और ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास कुछ इस तरह की टर्म्स बनेगी अब यहाँ तक तो हम फिगर से इसको एल्जाब्रिकली सॉल्व कर चुके हैं आगे हम क्या कर सकते हैं मजीद सिम्पलीफाई करने के लिए हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ए और बी पॉइंट को बहुत क्लोज होना चाहिए ताकि उनके दरमियान जो फील्ड है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म uh, हो लिहाजा हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन क्या अप्लाई करेंगे कि डेल्टा आर बहुत स्मॉल है इतना स्मॉल कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो जब हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेशन होगी तो हम डेल्टा आर स्क्र को निगलैक्ट कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं इग्नोर देखिए अगर फॉर एन एग्ज़म्पल डेल्टा आर की वैल्यू आप ले रहे हैं जीरो पॉइंट तो जब इसका स्क्वेयर लेंगे तो वैल्यू मजीद स्मॉल हो जाएगी जो कि होगी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन तो इसका मतलब है कि डेल्टा आर जितना स्मॉल होता जाएगा डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी लिहाजा डेल्टा आर स्क्वायर को हम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं तो जब डेल्टा आर स्क्यर को हम इग्नोर करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स रह जाएंगी जो कि आर ए स्क्र प्लस आर ए टू डेल्टा आर होगी अब यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू सबसे कीजिए जो कि आपके पास यहाँ लिखी हुई है इस वैल्यू को हमने यहाँ सबसे किया और हमने देखा कि जब आप इसको मैथमे अल्जाब्रिकली सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन बन जाएंगे जब ये प्रोडक्ट्स लेंगे और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आर ए स्क्र और माइनस आर ए स्क्र एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और फाइनली आर स्क्र की वैल्यू हमारे पास आर ए और आर बी की टर्म्स में आ गई है अब नेक्स्ट स्टेप uh, में हमने इस वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सब्सिट्यूट कर देना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था के क्यू ओवर आर स्क्वायर इसके अंदर हमने आर ए आर बी सब्सिट्यूट कर दिया है अब जो हमारा फील्ड है वो इन दो पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है और इसी रीजन के दरमियान के फील्ड को हम कंसिडर कर रहे हैं के की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें तो ओवरऑल आपके पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद अब हम मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ और पोटेंशियल डिफरेंस में हमें दो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जो कि हम ए और बी ले चुके हैं अब हम ये सपोज करें कि हम किसी भी एक पॉइंट चार्ज को जो कि इस फील्ड में पड़ा हुआ है बी से ए की तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन पहले मौजूद है ठीक है अब हमने बी से ए की तरफ जो मूव किया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा बी ए माइनस बी बी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर ये वो डिस्टेंस है जो कि आप मूव कर रहे हैं ये आर ए माइनस आर बी लिखा जाएगा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो पहले सेकंड पॉइंट लिखेंगे फिर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वहाँ पर हमने ए से बी की तरफ मूव किया था तो पहले बी और फिर ए का सब्सक्रिप्ट आ रहा था यहाँ पर हम पॉइंट बी से मूव कर रहे हैं ए की तरफ लिहाजा पहले ए आएगा जो कि सेकेंड पॉइंट है और फिर बी आएगा तो वी ए माइनस वी बी इज़ इक्ल्स टू माइनस ई आर ए माइनस आर बी ये डेल्टा आर आपका डिस्टेंस जो आप इधर से मूव कर रहे हैं ठीक है ये उस पर डिपेंड कर रहा है अब नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस साइन को एब्जॉर्व कर दीजिए अंदर तो आप देखेंगे कि आर बी पॉजिटिव और आर ए नेगेटिव हो जाएगा रीअरेंज करके इसको लिख लीजिए नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जो कि हम अभी फाइंड कर चुके हैं इसमें सब्सिट्यूट करें और आपके पास एक्सप्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस का ये सामने मौजूद है ठीक है ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इफ यू मूव अचार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए सच दैट द फील इज ऑफ चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इसको सॉल्व कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को आप वन बाय वन इन दोनों से डिवाइड करेंगे जब तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर बी बाकी तमाम चीजें साथ इसी तरह चलेंगी इसके बाद हम मूव करते हैं कि हमने प्रॉपरली पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया है दो पॉइंट्स के दरमियान इस पॉइंट चार्ज के फील्ड में अब हम चूँकि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आ पॉइंट एक पॉइंट पे हमने फाइंड करना है और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक पॉइंट पर फाइंड करना है तो फिर हम पहले पॉइंट को इनफाइनाइट लेंगे क्यों लेंगे ताकि उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो हम यहाँ बी को एट इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे ताकि वी बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो इन इन तमाम फैक्टर्स को इसके अंदर सब्सिट्यूट कर लें वी बी ज़ीरो हो जाएगा और बी जो पॉइंट है आर बी वो इन्फिनिटी पे मौजूद है वन ओवर इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो होता है इन्फिनिटी मीन्स बहुत बड़ा नंबर और जब एक छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर इक्वल्स टू जीरो आता है और जब आप इनफाइनाइट नंबर को डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर हर केस में जीरो ही आएगा ठीक है तो ये पोटेंशियल आ गया है एक पॉइंट पॉइंट पे, ए पे, अगर आप इंफिनिटी से ए पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, अब हम जस्ट इसको जनरल टर्म्स में लिख लेते हैं सब्सक्रिप्स ड्रॉप करके तो हमारे पास पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होगा वन ओवर फोर पाई एपाइल नॉट क्यू ओवर आर ये वो पोटेंशियल है जो कि एक पॉइंट पर है ड्यू टू पॉइंट चार्ज और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल वन ओवर आर से वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वन ओवर आर स्क्वेयर से वेरी कर रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल की वेरिएशन तो आज की डेरिवेशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है इसी को आपने अच्छी तरह से सॉल्व करना है समझना है स्टेप बाय स्टेप विद स्टेटमेंट और अब अपना होमवर्क नोट कर लीजिए आज तक के लेक्चर तक जितने टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं उन तमाम टॉपिक्स को प्रिपेयर करें और आपका जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह फ्राइडे सेवनटीन ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी को दिया जाएगा थैंक यू सो मच